YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही फोन करके उप मुख्यमंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने बधाई दी 10वीं कक्षा में टॉप करने वाली अंजलि को। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की कपाट तय समय पर आज सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए गए। अब आगामी 6 महीने तक यही भोले बाबा की पूजा होगी। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की कपाट 30 अप्रैल को खोले जाने हैं। साल 2013 की आपदा के बाद इस बार पहला मौका है जब कपाट खुलने के दौरान 6,500 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे। बीते दिवस गौरीकुंड से बाबा केदार की उत्सव डोली रवाना होकर शाम को केदारनाथ धाम पहुंची थी और साथ ही यहां मुख्य पुजारी राजशेखर लिंग के आवास पर पंचमुखी मूर्ति ने विश्राम किया। सुबह भोले बाबा के जयकारों और सेना के बैंड की धुन के बीच मूर्ति को मंदिर तक लाया गया। इस दौरान वेद पाठियों, हक हकूकधारियों, मंदिर समिति के पदाधिकारियों, रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद गृह साफ सफाई की गई और साथ ही पंच मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद में मंदिर के कपाट आम भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए।